भगवान से जुड़ करके क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है, आरोग्यता मिलती है, दुनिया की संपदा मिलती है। भगवान से जुड़ करके महाराज दशरथ महादेव से जुड़े हैं, तो चारों चीजें मिल गई हैं ना, चारों चीजें। ये धर्म भरत क्या है, धर्म ही तो है। महादेव की नित्य पूजा करते हैं राजा दशरथ, जिनके यहां धर्म भरत के रूप में चल गया, अर्थ इकोनॉमी अर्थशास्त्र शत्रुघ्न जी के रूप में पधारे, जिनका वैराग्य लक्ष्मण और जिनका मोक्ष प्रभु राम बनकर के अयोध्या में प्रकट हो गया, ये सब भगवान के जुड़ने से ही तो हो गया है। ईश्वर से जुड़ करके क्या नहीं मिल सकता, सम्मान मिलेगा, परिवार मिलेगा, भगवान मिलेगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। एक बात मैं बकेवर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, सुई की नाल में जहां धागा डाला जाता है, एक बार में 1000 ऊंट उसमें से निकल सकते हैं, ये संभव है, लेकिन भगवान के बिना जीव का कल्याण हो जाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा से जुड़ करके रही, स्नान शौच क्रिया हीनो दुर्भक्षी क्रोध संयत, स्नान करता नहीं है तो क्रोध ही बन गया, इंद्रियों का लोलुप बन गया। इसलिए स्नान की बड़ी महिमा का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। नित्य स्नान करके थोड़ा पूजा में बैठिए, तुलसी माँ को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। युवाओं की तरक्की के लिए सूर्य भगवान का दर्शन, नित्य का एक लोटा जल चढ़ाना, भगवान भास्कर को प्रणाम करना, आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, आप बहुत ऊपर चले जाएंगे। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1000 बार प्रणाम सूर्य देव को रोजाना करते थे। जो सूर्य को प्रणाम करेगा उसको कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा, उसको चर्म रोग नहीं होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, वो पागल नहीं होगा, वो बुद्धिहीन नहीं होगा, क्योंकि सूर्य देवता बुद्धि के देवता है। चंद्रमा मनशो जातक चशो सूर्यो अजायता, हमारे वेद भगवान कहते हैं मन का मालिक चंद्रमा है, तो बुद्धि के देवता भगवान सूर्य है। उगते हुए सूर्य का नित्य दर्शन कीजिए, उन्हें एक लोटा पानी दीजिए, अंजलि बनाकर उन्हें प्रणाम कीजिए, बारह बार कहिए ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, महातेजाय नमः, आदित्याय नमः। मेरी अंजलि पर कैमरा लगाइए, इसमें एक बार आप सूर्य भगवान का नाम लेते हैं तो एक बार का जो नाम है वो 10,000 नामों का प्रभाव रखता है। ओम सूर्याय नमः, अर्काय नमः, ये प्रशवाय नमः, ये सविताय नमः, ये सूर्य भगवान के बारह नाम है। अंजलि में बारह नाम बोलोगे तो 1,25,000 के बराबर उसका महत्व हो जाएगा। सूर्य भगवान को रोज आप अंजलि दीजिए। भगवान भास्कर साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी, बजरंग बली हनुमंत लाल जी के गुरु जी। अब अंजलि बाद में बनाना, पहले मुझे सुनिएगा, तो यह बिल्कुल जरूर कीजिएगा। युवाओं के लिए तो यह एक बहुत बड़े आनंद की बात है, स्नान के बाद यह काम जरूर कीजिएगा। थोड़ा धार्मिक बनिए, अध्यात्म बनिए। बड़ा अच्छा लगता है कि आज मंदिरों में युवाओं की बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन ये आस्था और श्रद्धा की भीड़ हो कुछ मांगने के लिए नहीं। मांगना क्या है, वो तो आप मेहनत करेंगे, जॉब करेंगे तो वो सब कुछ मिल ही जाएगा। मंदिर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि मन को सकुन मिलता है, शांति मिलती है, एक ऐसा वाइब्रेशन है मंदिर में। इसका जो गुम्बज ऊपर गुम्बट रखा है, वहां से ऊपर की अध्यात्म शक्ति उतर करके गर्भगृह में पहुंचती है, और जब हम देव प्रतिमाओं के सामने प्रविष्ट होते हैं सामने खड़े होते हैं, तो प्रतिमाओं में से वो ऊर्जा निकल करके हमारी बॉडी को स्पर्श करती है, जिससे हमारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। जब भी आप मंदिर में दर्शन करते हैं, आपके शरीर में रोम रोंगटे खड़े होते हैं, एक वाइब्रेशन होता है आपकी बॉडी में, कभी भी आप अनुभव करके देखिएगा, और उससे एक सकुन मिलता है, उससे एक शांति मिलती है, और जिससे माथे के विचार बड़े तंदुरुस्त होते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी की जो अद्भुत जो कथा है, वो कहते हैं धुंधकारी कभी नहाता ही नहीं है, कभी स्नान नहीं करता, अच्छे लोगों का कभी साथ नहीं करता है। स्नान शौच क्रिया, इन शौच कहते हैं अंदर बाहर की पवित्रता, अंदर की भी पवित्रता चाहिए, बाहर की भी। अंदर की पवित्रता कहते हैं मन पवित्र हो, मन पवित्र हरि नाम से होगा, तन पवित्र सेवा से होगा, और धन पवित्र दान करने से होगा। मन पवित्र हरि स्मरण से, धन पवित्र दान से, और तन पवित्र है वो होगा सेवा करने से। तो इनको पवित्र कर लीजिए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता हरि भजन से, मन को ही तो दुरुस्त रखना है। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। आप मन से हार गए तो शरीर भले ही 1.5 क्विंटल का हो, पराजित हो जाओगे,
और यदि मन मजबूत है तो शरीर भर रही 50 kg आपका हो और आप दुनिया को जीत लेंगे। मन की इतनी बड़ी महिमा है, जो भी आप जप करते हैं इससे मन मजबूत होता है। इससे हम लोगों के मन ही तो मजबूत हैं, चाहे जितना बड़ा निर्णय लेते हैं, और आनंद की बात यह है कि उसमें सफल हो जाते हैं, क्योंकि मन कमजोर नहीं है। इसलिए मन मजबूत है, मन को रोज जप की खुराक मिलती है, मन को रोज साधना की खुराक मिलती है, अच्छे विचारों की खुराक मिलती है, इससे मन मजबूत होता है। इससे मन गाफिल नहीं होता है।